मैं यास्मीन हैदराबादवाला.com पर आपका इस्तकबाल करती हूँ। मैं आज आपको चिकन कलेजी फ्राई बनाने का तरीक़ा बताऊँगी। 7 या 7 अदद चिकन कलेजी लीजिए। इन्हें अच्छी तरह से धोकर इनके मीडियम साइज़ के पीसेस कर लीजिए। पैन में कलेजी के पीसेस डालिए। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालिए। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालिए। 1/2 कप कटे हुए पुदीने के पत्ते डालिए। 1/2 कप कटा हुआ हरा धनिया डालिए। 1 कप पानी डालिए। 1 टीस्पून या टेस्ट के हिसाब से बारीक नमक डालिए। अच्छी तरह से मिलाकर 3 टेबलस्पून तेल डालिए और ढक्कन ढक दीजिए। मीडियम आंच पर 10 मिनट तक पकाइए कि कलेजी गल जाए और पानी भी सूख जाए। तेल छूटने तक इसे भूनिए। 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालिए। 30 सेकंड तक भूनिए और आंच बंद कर दीजिए। चिकन कलेजी फ्राई तैयार है। फुलके या पराठे के साथ सर्व कीजिए। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अपनी कीमती राय ज़रूर लिखिए। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।